मेरे चैनल मन की भक्ति में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, 5 सितंबर को हलषष्ठी का व्रत है और हलषष्ठी में अपनी संतान की दीर्घायु के लिए सभी महिलाएं और बहनें प्रार्थना करती हैं और पूजा करती हैं। तो इसमें एक कथा सुनी जाती है, तो उस कथा को आप लोगों को सुना रही हैं। तो प्राचीन काल में एक ग्वालिन थी, उसका प्रसव काल अत्यंत निकट था। एक ओर वह प्रसव से व्याकुल थी तो दूसरी ओर उसका मन दूध दही बेचने में लगा हुआ था। उसने सोचा कि यदि प्रसव हो गया तो गौ का रस यहीं पड़ा रह जाएगा और खराब हो जाएगा। यह सोचकर उसने दूध दही के घड़े सिर पर रख कर बेचने के लिए चल दी। अभी वह कुछ दूर ही पहुंची थी कि उसे असहनीय प्रसव पीड़ा हुई। वह एक झरवेरी की ओट में चली गई और वहाँ उसने एक बच्चे को जन्म दिया। वह बच्चे को वहीं छोड़कर पास के गांवों में दूध दही बेचने चली गई। संयोग से उसी दिन हलषष्ठी थी। गाय भैंस के उसने मिश्रित दूध को बेचा था और भैंस का दूध बताकर उसने सीधे साधे गांव वालों में बेच दिया। उधर जिस झरवेरी के नीचे उसने बच्चे को छोड़ा था, उसके समीप ही खेत में एक किसान हल चला रहा था। अचानक उसके बैल भड़क उठे और हल का फल शरीर में घुसने से वह बालक मर गया। इस घटना से किसान बहुत दुखी हुआ। फिर भी उसने हिम्मत हार नहीं आ रही और धैर्य से काम लिया। उसने झरवेरी के कांटों से बच्चे के चीरे हुए पेट में टाके लगाए और उसे वहीं छोड़कर चला गया। कुछ देर बाद ग्वालिन दूध बेचकर वहां आई। बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसे समझते देर न लगी कि उसने जो पाप किया है उस पाप की उसे सजा मिली है, क्योंकि उसने दूध और दही को मिश्रित करके भैंस का बताकर बेचा था। अब वो सोचने लगी कि यदि मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध न बेचा होता और गांव की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट न किया होता, उनका व्रत न तोड़ा होता, तो मेरे बच्चे की यह दशा न होती। अतः मुझे लौटकर सब गांव वालों को अपनी बात बताकर उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। तो ऐसा सोचकर वह गांव में पहुंची। वहां उसने दूध दही बेचा था। वह गली गली घूमकर अपनी करतूत बताने लगी और सबसे क्षमा मांगने लगी। तब स्त्रियों ने स्वधन रक्षार्थ उस पर रहम खाकर उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया कि जाओ, तुम्हारा बच्चा जिंदा हो जाएगा। बहुत सी स्त्रियों द्वारा आशीर्वाद लेकर जब वह पुनः उसी झरवेरी के पेड़ के नीचे पहुंची तो यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि वहां उसका पुत्र जीवित अवस्था में पड़ा था। तभी उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने की ब्रह्म हत्या का सम्मान समझा और कभी झूठ न बोलने का प्रण किया और कहा कि भगवान, जैसे मेरे बालक को जिंदा किया ऐसे सभी के बच्चे स्वस्थ रहें।